नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बिदर गणेश मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रजाध्वनि कार्यक्रम। चिटगुप्पा के उड़बल ग्राम में दो दिन का रेणुकाई लम्बा यात्रा महोत्सव। हमीरपुर पुलिस ने 25 लाख का गांजा किया बरामद। पूर्व विधान परिषद सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज। रेलवे ने रद्द की 390 से ज्यादा ट्रेनें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपने ली एंट्री, सभी 230 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। वोटर्स को लुभाने के लिए ईसीआई का नया गीत, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में प्रजाध्वनि यात्रा, बीदर शहर के गणेश मैदान में प्रजाध्वनि कार्यक्रम का उद्घाटन सिद्धरामैया द्वारा किया गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। भाजपा सरकार सक्षम नहीं है, 3 साल में घर बनाना है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 15 लाख घर बनाए। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राशन चावल 7 किलो से 5 किलो तक दिया जाने लगा। मैंने बीएस येदियुरप्पा से यह भी कहा कि अगर पैसे कम होते तो 10 किलो चावल दिया जा सकता था। 2013 में किए गए 162 वादों में से 158 पूरे किए जा चुके हैं, साथ ही 30 प्रोग्राम दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने 600 वादे किए और 60 वादे भी पूरे नहीं किए। उन्होंने आलोचना की कि किसी के अच्छे दिन नहीं आए। 371J संशोधन अधिनियम मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लागू हुआ। कल्याण कर्नाटक के कई लोग डॉक्टर और इंजीनियर बने। कांग्रेस के कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए 1500 करोड़ का अनुदान दिया गया था। उन्होंने कहा कि बसवराज बोमई ने 3000 देने का वादा किया था, लेकिन पैसा जारी नहीं किया। बीदर निर्वाचन क्षेत्र में 6 उम्मीदवार हैं और बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 8 उम्मीदवार हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे। केपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष MB पाटिल, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडे, पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान, विधायक राजशेखर पाटिल, रहीम खान, अजय सिंह, विधान परिषद सदस्य प्रकाश राठौड़, अरविंद कुमार अरली, चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, केपीसीसी महासचिव मीनाक्षी संग्राम, पूर्व विधायक अशोक खेनी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य विजय सिंह, AICC सदस्य आनंद देवप्पा, धनराज थलमपल्ली, केपीसीसी के पूर्व सचिव रोहित दास घोड़े, कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, संजू कुमार DK और चंद्रकांत हिप्पलगांव उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ MB पाटिल, ईश्वर खंडे, जमीर अहमद खान, अशोक खेनी और रहीम खान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा संतोष के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। चिटगुप्पा तालुका के उड़बल ग्राम में आज और कल श्री रेणुका यल्लम्मा यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर व ग्राम में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस यात्रा में कई पार्टी के नेता और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थित रहने की आशंका जताई जा रही है। यह जानकारी मंदिर के प्रबंधक ने दी है। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के जरिया थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास से पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिनके पास से 2 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 लोग मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। इसके साथ गांजा तस्करी में उपयोग होने वाली बाइक भी बरामद की गई है। यूपी हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थाना जरिया के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने आज सुबह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास से जो 143 मीटर का पत्थर वहाँ से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है और इनसे करीब 2 क्विंटल से अधिक जो है गांजा बरामद किया है, जो 7 बोरियों में रखा गया था और इस गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्त जो है उनका नाम अनिल और इंतजार खान है और इसमें 2 अभियुक्त और थे जो पूर्व में भी जिनका आपराधिक इतिहास गांजे को अवैध रूप से बेचने में रहा है, वो भी इसमें थे, तो मौके से भाग गए हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इनको जो है नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। बीदर जिले के बसवकल्याण तालुका के एआईसीसी सदस्य आनंद देवप्पा को हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि विजय सिंह खुद एआईसीसी सदस्य आनंद देवप्पा पर हमला करने आए थे और यह भी कहा कि उनके खिलाफ बसवकल्याण थाने में मामला दर्ज किया गया है। बसवकल्याण से केपी न्यूज के लिए नागार्जुन की रिपोर्ट। इंडियन रेलवे ने 5 फरवरी यानी शनिवार को करीब 395 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.government.in के मुताबिक करीब 357 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि 38 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द की गई हैं। वहीं 19 ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, 35 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। ऐसे में अगर आपने भी अपना रिजर्वेशन करा रखा है तो घर से निकलने से पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139139 के जरिए ट्रेनों से जुड़े अपडेट्स ले सकते हैं। बता दें कि ऐसा यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और डेवलपमेंट कार्यों के चलते किया गया है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए प्रभावित ट्रेनों से जुड़ी जानकारी रेलवे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दे देता है। भारतीय चुनाव आयोग ने इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता जुड़े और मतदान का प्रतिशत बढ़े। इसके लिए ECI ने वोटर्स को लुभाने के लिए नया गाना मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं बनाया है। इस बेहद प्यारे और मधुर गीत को ECI ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे फिल्म निर्माता सुभाष घाई फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। देशभर के कई गायकों और अभिनेताओं ने इसमें भागीदारी की है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब तक सूबे में दो सबसे प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ही सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MP की सभी 230 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों के आधार पर प्रदेश में वोट मांगे जाएंगे। आप नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह से उब चुकी है, अब जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। मध्य प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब मॉडल को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी को मौका देगी। टिकट वितरण की व्यवस्था पर राज्यसभा सांसद पाठक ने कहा कि हम उसे ही टिकट देंगे जिसे जनता पसंद करेगी। खान की फिल्म पठान के रिलीज से पहले इसके एक गाने बेशर्म रंग को लेकर यूपी समेत देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला, लेकिन रिलीज के बाद से ही फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है। इसी बीच अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने फिल्म और इससे जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म देखने को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा है, मैं फिल्म नहीं देखता, न ही मेरे पास इतना वक्त होता है। हाँ, मैं कलाकारों और साहित्यकारों का पूरा सम्मान करता हूँ। वहीं यूपी में फिल्म के विरोध पर उन्होंने कहा कि यूपी में फिल्म का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, बस एक जगह आपसी विवाद हुआ था जहां एक दर्शक पूरी फिल्म की रील बना रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि फिल्मों में जनभावनाओं का सम्मान जरूर हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर गणेश मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रजाध्वनि कार्यक्रम। चिटगुप्पा के उडबल ग्राम में 2 दिन का रेणुकाई लम्बा यात्रा महोत्सव। हमीरपुर पुलिस ने 25 लाख का गांजा किया बरामद। पूर्व विधान परिषद सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज। रेलवे ने रद्द की 390 से ज्यादा ट्रेनें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपने ली एंट्री, सभी 230 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। वोटर्स को लुभाने के लिए ECI का नया गीत, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।